एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं अजीब अभी इस वक्त हम खड़े हैं अध्यक्ष ऑफिस में और अध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी का जो कैंडिडेट है संजय सिंह, उनका जीत हुआ है। ये जो है कैंबल पे के थे, अभी इनका जीत हो चुका है। और जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के, उसको 7 वोट मिला और बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको 11 वोट मिला। तो जो है अभी संजय जी का जो है जीत हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको वेलकम करने के लिए। जैसे कि आपको दिखाया है, बीजेपी जो है यहाँ पे अध्यक्ष का जो चुनाव है जीत गए हैं। यहाँ बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको जो है 11 वोट मिला है और उपाध्यक्ष को जो है 10 वोट मिला है, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार है। दोनों जो है जीत चुके हैं। वैसे में अभी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है अजय बैरागी जी, वो मौजूद है। बात करेंगे उनसे कि ये जीत पे उनका क्या कहना है। तो सर, ये जीत पे आपका क्या कहना है? ये जीत में मैं सबसे पहले हमारे सभी जिला परिषद मेंबर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार जिला परिषद साउथ अंडमान के जो चुनाव रहा, सेकंड टर्म का जो चुनाव रहा, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में श्री संजय कुमार सिंह जी को चुना गया था और भूमिनाथन जी जिला परिषद मेंबर, उनको उपाध्यक्ष का नाते उनको चुना गया था। मैं सभी मेंबर्स को धन्यवाद करता हूँ। भारी बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, सभी हमारे जिला परिषद मेंबर, हमारे संजय कुमार सिंह जी जो जिला परिषद अध्यक्ष के जो कैंडिडेट थे, उनको भारी बहुमत से, जबकि हमारा 10 सिर्फ मेंबर था और भी एक जो वोट हमको ज़्यादा मिला है, तो 18 से 11 वोट में जीत कर संजय कुमार सिंह जी आज अध्यक्ष के रूप में हम लोग का सामने खड़ा है। वैसे में भूमिनाथन जी 18 में से 10 वोट मिलकर उन्होंने उपाध्यक्ष बन के आज हमारे सामने वो खड़े हैं। मैं संजय कुमार सिंह जी को पार्टी के ओर से, अपने ओर से, सभी कार्यकर्ता को ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भूमिनाथन जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी कार्यकर्ता, यहाँ पर हमारे मानिक राव दादा जो TDP हमारे साथ में अलायंस है अंडमान निकोबार में, TDP के स्टेट प्रेसिडेंट वो भी आए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ पर PBMC के चेयरपर्सन अभी बनी, 14 तारीख को जो चुनाव हुआ था, एस सेल्वी जी वो भी यहाँ पर आई है। मैं इस शुभ समय पर इस चुनाव को सही तरीका से शांतिपूर्वक करने के लिए, पार्टी का तरफ से जो चुनाव को करने के लिए जो इंचार्ज का घोषणा किया था अरुणागिरी जी, DC अरुणागिरी जी हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर है, वो इंचार्ज के नाते चुनाव में काम किया। जयदेव कुमार दे जी जो प्रभारी साउथ अंडमान का,
को इंचार्ज के नाते और एक्स अध्यक्ष का भी है जिला परिषद का, को इंचार्ज का नाते काम किया और उनका नेतृत्व में ये चुनाव को लड़ा गया बहुत शांतिपूर्ण तरीका से। और आप देख सकते हैं पूरा माहौल एक खुशी का माहौल है, सभी कार्यकर्ता हर्ष और उल्लास के साथ में यहाँ पर खुशियाँ मना रही है। लेकिन मैं आपका माध्यम से इतना बोलना जरूर चाहूँगा, ये खुशी सिर्फ खुशी नहीं है, हमारा लक्ष्य और हमारा खुशी तो विकास को लेकर, जो हमारा पार्टी का नारा है, जो हमारा नरेंद्र मोदी जी का त्याग तपस्या और बलिदान का बात अगर हम लोग करेंगे, जहाँ तक भारत को विश्वगुरु बनाना और गरीबी को उत्थान करना, गरीबी को समाज से हटाना और अंडमान से भी गरीबी को हटाना, ऐसा लक्ष्य लेके हम लोग चल रहा है। और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी नारा का साथ में एक पूरा विश्वास मैं रखते हैं संजय सिंह जी का ऊपर में, एक डायनोमिक लीडर को पार्टी चुना है और संजय कुमार जी का अंदर में भरपूर गुण है और जो गुण आने वाला दिन में पूरा साउथ अंडमान का जो विकास है, साउथ अंडमान का जो जिला परिषद क्षेत्रों का जो विकास है, उस विकास का लिए वो पूरा अपना जो गुण को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ का जन जन को विकास करना, गरीबी हटाना और यहाँ का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो बात हम करते हैं उसका साथ में भूमि नतन जी का भी भरपूर प्रयास रहेगा, ऐसा शुभेच्छा का साथ में उनको फिर से एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद भारत माता की जय। जैसे कि सर पीबीएमसी में, जैसे कि पीबीएमसी में आपका जो गठबंधन था वो भी जीत पाया है यहाँ पे और साथ ही साथ अभी अध्यक्ष भी आप लोग जीते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की जनता को? देखिए ये जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक तो पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका का जो चुनाव हम लोग जीता है गठबंधन से, हमारे TDP के प्रेसिडेंट साहब भी इधर में हैं मानिक राव जी, हम लोग सब मिलकर संकल्प लिया है, जो सारे म्यूनिसिपल के जो सारे पेंडिंग काम है, चाहे वर्क चार्ट मजदूर का रेगुलराइजेशन हो, चाहे सैनिटरी मजदूर का रेगुलराइजेशन हो, चाहे फुटपाथ बनाने का काम हो, चाहे यहाँ के छोटे छोटे ठेला वाला का बात हो, मछुआरा भाई के बात हो, गरीबी के बात हो, हर दिशा में पार्टी हम लोग सब एक साथ में मिलकर गरीबी हटाने का ये प्रयास हमारा है। और पूरा दीपों का जनता को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपका माध्यम से, जैसा खुशी 14 तारीख को हम लोगों को मिला था वैसा दोबारा एक आज एक बड़ा खुशी लौट के आया, जो ये बहुत बड़ा जीत है कि हम लोग साउथ अंडमान का, ये हमारा 14 तारीख का बाद में सेकंड चुनाव है, ये चुनाव भी हम लोग भारी बहुमत से जीत के आया। और ये मैसेज हम दक्षिण अंडमान क्षेत्रों के सभी जनता को देना चाहता हूँ कि ऐसे दो डायनोमिक लीडर को हमने चुना है और ज़रूर दक्षिण अंडमान का हर एक गरीब लोगों का विकास होगा और उनका विकास का लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध थे और प्रतिबद्ध रहेंगे। जय हिंद। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ में संजय सिंह जी है जो कि अध्यक्ष बने हैं इस बार, तो उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपको धन्यवाद सर। और सर ये बताइए, बहुत उम्मीद है यहाँ के लोगों को, खास करके साउथ अंडमान के, क्योंकि आप साउथ अंडमान के अभी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अपने क्षेत्र में और यहाँ पे क्या काम करना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं भाजपा के उस नेतृत्व को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दिया और अपना कैंडिडेट बनाया। साथ साथ में उन तमाम जिला परिषद के सदस्य जो हमें एकमत से सभी मिलके हमें जिताया है और ये जिम्मेदारी दी है। साथ साथ में भाजपा के साथ साथ में कांग्रेस का भी एक सदस्य ने क्रॉस वोट करके हमें जो है समर्थन दिया है, ये कहीं ना कहीं भाजपा का जो पूरे देश में एक हवा चली है और मोदी जी का जो प्रभाव है उसका ये नतीजा है यहाँ पे भी देखने को मिला। आपने म्यूनसिपल में भी देखा होगा, यहाँ पे भी देखा कि धीरे धीरे कांग्रेस भी अब BJP की तरफ हमारा रुख बनाया है और ये शुरुआत हुआ है, आगे और भी अच्छा होगा हम उम्मीद करते हैं। रहा बात की जो आज मुझे जिम्मेदारी मिला है जिला परिषद अध्यक्ष के नाते, बहुत सारे चुनौतियाँ थी लेकिन जब से हम जीत के आए हैं बहुमत की तरफ में, पहला हमारा अध्यक्ष के तौर पे, हमारा प्रमिला मैडम जो है अध्यक्ष के तौर पे बनी थी, बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जो वाकई में जब हम बैठे तो कांग्रेस ने सत्यानाश करके रखा था पिछले समय में, उन सबको एक पटरी पर लेके आना एक बहुत बड़ा चुनौती था और उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए बहुत कुछ हम अच्छा किए हैं। जो प्रमिला मैम ने एक महिला के नाते बहुत कुछ कार्य करी है और कहीं ना कहीं विकास के कार्य शुरू हो गए हैं
और उस जो कार्य जो है अभी बाकी रह गए हैं, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो हमें जिम्मेदारी मिला है वो जिम्मेदारी पर पूरा हम खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। और पूरे साउथ अंडमान के जो भी हमारा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत है जिला का, उन सब पर विकास का जो है कार्य बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और हम प्रशासन से मिलकर हम काम करना चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन भी हमारा सहयोग करेगा और पार्टी भी हमारा सहयोग देकर, और हम पूरे अंडमान में भाजपा का कमल खिलाएंगे और 2024 में भारी बहुमत से भाजपा का प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीतेगा, ये हमारा संकल्प रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही साथ ये बता दीजिए, खास करके जो कैंपबेल बे के आपके क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि उन लोग भी जानना चाहते हैं कि आप जीतने के बाद में क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों के। देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ ये हमारा कैंपबेल बे का जनता का ही देन है। मैं कुछ भी नहीं है, मैं कोई कुछ नहीं है। आज मेरा जो पहचान है वो कैंपबेल बे का जनता से ही पहचान है। संजय सिंह कोई व्यक्ति नहीं है, जो है वो कैंपबेल बे का जनता है, जिनका प्यार जिनका आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेके आने में वो बहुत बड़ा जो है उनका सहयोग रहा है। इसके बाद पार्टी हमारा अजय जी का हमेशा सहयोग रहा है, अरुणा जी है, हमारा जयदीप भाई है, तमाम हमारे पार्टी के नेता है, विशाल जी है, इन सभी का आशीर्वाद है जो कि मैं इस जगह तक पहुँचा हूँ। और ये लोग है करके संजय सिंह है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी बात करेंगे उपाध्यक्ष से, भूमिनाथन जी से, जो कि उपाध्यक्ष में जीते हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, आपका भी उपाध्यक्ष में जीत हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले मेरा पार्टी का मेरा ऊपर इतना उम्मीद करके एक कैंडिडेट बनाया जरूर, और उसका बाद मेरा इतना कैंडिडेट का नाते और मेरा वोट दिया वाला मेरे साथी लोग का सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता चाहता है। और उसका अलावा मेरा बिटनावत कंस्टिट्यूंसी से मेरे को जिता के इतना दूर लेके आया, वो सारा जनता के भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता चाहता हूँ। और ये बड़ा जिम्मेदारी है, साउथ अंडमान ऐसा एक रूप में है, बहुत पब्लिक भी है और डिमांड भी, पब्लिक का डिमांड भी ज़्यादा है, उसका पूरी करने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम अध्यक्ष साथ मिलकर हम आगे निकलने की कोशिश करेंगे और विकास करेंगे, जिला परिषद का एक नाम दोबारा लौटा के दिखाएंगे। अभी हमारे साथ में पूर्व अध्यक्ष भी है, तो उनसे भी बात करते कि ऐसा क्या काम था जो छोड़ के गए, जो अभी आने वाले जो अध्यक्ष है वो करेंगे और इनके साथ सहयोग के साथ में कैसा कर पाएंगे, चलिए इनसे बात करते। तो सबसे पहले बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो आप यहाँ के साउथ अंडमान के लोगों के लिए कर नहीं पाया, जो अभी जीते अध्यक्ष से आप करवाने मिल के करवाएंगे? जस्ट मैं जब बैठी थी तो कोरोना के पीरियड में सब कुछ एकदम ना के बराबर था, ना फंड थी ना पूरा काम हुआ था। मैं बैठने के बाद 3 महीने मुझे लगा कि ये समझने के लिए कि काम क्या है, और मैं बैठी और जितना पुराना बिल्स है, जितना रोड का काम है, सारा जो रिवाइज फंड को निकाले, उस बिना फंड के हमने 8 काम को सैंक्शन करे, पुराने रिवाइज रोडों को मैंने हम सब जटपी मेंबर्स और मेरे ऑफिशियल सारे स्टाफ मिलकर उसको इम्प्रूव करे, वो रिवाइज करवाए, और 19 महीना जो हाउस वर्स को पेमेंट नहीं मिला था उसको मैंने बिना फंड के उसको हम लोग दिलवाए, और अभी 1 साल का फंड वो भी दिलवाए, अभी जा रहा है। और फंड नहीं था तो अमित शाह जी से हमने रिक्वेस्ट करा और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उसका साथ दिया और वो फंड्स दिए, उसके 24 काम अभी हम लोग रखे हैं। मेरा उम्मीद है संजय जी और भूमिनाथन जी मिलकर वो सारे काम को जो मैं कर नहीं पाई, क्योंकि 1 साल का पीरियड बहुत कम होता है और समझना मैं एकदम नहीं आई थी पॉलिटिक्स में, तो मुझे समझने भी देर लगा। मैं विश्वास करती हूँ कि भूमिनाथन जी, संजय जी दो ऐसे कंधे हैं जो हमारे जिला परिषद को बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और भूमिनाथन जी ने बहुत सारा काम मेरे पीरियड में भी करके, उनको इतना एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत आज खुश हूँ कि ऐसे कंधे पर दिया है जो कि हमारे पार्टी को ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। और आपको विश्वास दिलाया था कि 2024 को हम जीतेंगे, और हमारा जो बीजेपी का कार्य क्या है वो जिला से हम लोग करके दिखाएंगे। और ये मेरे दोनों भाइयों से, बच्चों से यही आशीर्वाद है मेरा कि जिला का नाम सबसे ऊंचा करना। धन्यवाद। ठीक है, अभी आपके साथ में जो है अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी के अजय बैरागी जी, आप पॉलिटिक्स में नया थे, आते साथ में अध्यक्षा बने, तो उस पार्टी का अध्यक्ष का कितना सपोर्ट रहा आप?
फुल सपोर्ट है। हम बोले हम हर जिला परिषद मेंबर का, पार्टी का सारा सपोर्ट था कि एक मुझे सीट देना, यही एक बड़ा बात है कि एक नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं है अचानक पार्टी में आके उसको एक अध्यक्षा बनाना, ये उनका बड़ा विश्वास था और मेरा हर दिन का प्रेयर था। उन्होंने जिस विश्वास से मुझे बैठाया मैं उसे पूरा कर पाऊँ। सभी ने कहा कि नहीं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी इंतज़ार करते कि करेंगे और उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर रखा और मेरे जटपी सारे मेंबर्स और जिला परिषद का ऑफिस स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन सब ने मिलकर सहयोग किया और मैं उनको सर ऊंचा नीचा करने का एक मौका नहीं दिया, बीजेपी को और अच्छा एक दिया और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं कि एक कांग्रेसी भी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि हमने सबको 18 मेंबर को साथ लेके चला और जिला को एक अच्छा मोड़ दिया। आज आज ऐसा है कि ये जिला के गोल्डन पीरियड है, सब कहते हैं, स्टाफ भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं कि एक गोल्डन पीरियड था ये। तो हमने जो उम्मीद से मुझे पार्टी बैठाए, शायद मैं उन्हीं का मुंह से सुनना चाहती हूँ कि मैं सक्सेस हो पाई या नहीं। मेरा जितना कर्म था मैंने करा, बाकी तो वही बताएंगे कि मैं क्या करी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।